के बाद एक हाथ में दस्ताने नहीं लगाए घूम रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अविनाश और इस समय मैं बैठा हुआ हूं फिनिक्स सिटी मॉल में जो कि कुर्ला में है, मुंबई में। यहां आने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आपको बहुत ही एक यूनिक प्लेस पर लेके जाने वाला हूं। जी हां, आपने सही सुना, इस समय मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्नो वर्ल्ड के टूर में जो कि फिनिक्स सिटी मॉल के अंदर है। मेरे साथ दो और पल्टन है जिनसे मैं आपको अभी मिलाऊंगा। तो इस ब्लॉग में मैं आपको वो सारी जानकारी दूंगा, जैसे टिकट की प्राइसिंग क्या है, अंदर क्या क्या अमेजिंग एक्टिविटी आप कर सकते हो और साथ ही वहाँ का एम्बियंस कैसा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर बताने वाला हूँ। तो दिल थाम के बैठिए, इस ब्यूटीफुल ब्लॉग का मज़ा लीजिए और साथ ही जो स्नो वर्ल्ड के इनसाइड जो अमेजिंग व्यूज़ है, अमेजिंग एक्टिविटीज़ जो आप कर सकते हो उसका मज़ा लीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ ही जो लाइक का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए। तो गाइज़, ये है फिनिक्स मार्केट सिटी में स्नो वर्ल्ड, जिसकी आज मैं आपको टूर देने वाला हूँ। अभी कुछ ही देर में हम लोग अंदर जाने वाले हैं। तो गाइस, ये अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं स्नो वर्ल्ड में। ये इनसाइड का नज़ारा है यहाँ पे कुछ ऐसा, और मैं ये किड्स वगैरह को लेके आया हूँ। बेटा आ जाओ। तो यहाँ से हम लोग अभी जो है जैकेट लेंगे पहनने के लिए। ये क्या है, सिर्फ वो? अच्छा, पूरा कोट ही है क्या, ऊपर से नीचे तक? लेट्स गो। ये मेरे लिए। चलो बैठो, आगे बैठो, पहनना है अभी। वेरी गुड आफ्टरनून। ये इन लोगों को, बच्चे लोगों को मैंने तैयार कर दिया है ये ड्रेस। आओ और मैं अपना भी ड्रेस दिखा देता हूँ। ये मैंने भी यहाँ पे पहन लिया है ये ड्रेस इनसाइड स्नो वर्ल्ड में। अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो अभी सारा मैं अंदर की तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। तो ये एंट्री है यहाँ पे, काफ़ी स्लिपरी है ये जगह, और हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये कैमरे की टेस्टिंग भी है मेरी, -20 डिग्री टेम्परेचर है और मैं शॉर्ट पहन के आया हूँ। प्रीति कूदना स्टार्ट कर दी है यहाँ पे, जल्दी आगे आ जाओ, आ जाओ। इसको पहनो ना, इसको पहनो ना, ठंड लग जाएगा। तो गाइस, ये अंदर का नज़ारा एक बार मैं दिखा देता हूँ। वहाँ से मेन एंट्री है, ठंड काफ़ी है अंदर में, से भाप निकलने लगा है। मेरे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, सब बच्चे सब किधर घूम रहे हैं। ये यहाँ पे आइस स्केटिंग के लिए है, अगर आपको आइस स्केटिंग करना है तो यहाँ पे है। मैं भी ट्राई करूँगा अभी थोड़ी देर में। बहुत ठंडी है। -20 डिग्री टेम्परेचर है इनसाइड। अंदर में ऐसा है, तो यहाँ पे स्लाइडिंग है बच्चों के लिए। ये सामने देख सकते हो आप, इस तरीके से स्लाइड कर सकते हो। और उसके बाद ये बच्चे खेल रहे हैं, तो मैं इनको खेलने दे रहा हूँ ताकि इनके बॉडी ठंडी ना हो, गर्म हो तो ये टेम्परेचर सह जाएंगे। यहाँ पे ये बॉल्स वगैरह आप खेल सकते हो, यहाँ पे यहाँ से ये स्लाइड कर सकते हैं। ये एक स्लाइडिंग है यहाँ पे।
तो गाइज जब कभी आप स्नो वर्ल्ड आना तो ये वाले स्लाइड जरूर करना, काफ़ी मजा आता है। एक तो आप स्ट्रेट जा सकते हो, एक तो गोल गोल घूम के जा सकते हो। ये आपको लेना पड़ेगा, ये मैं दिखा देता हूँ। ये आप नीचे से कलेक्ट करके ला सकते हो यहाँ पे, इसके अंदर बैठ के आराम से, या तो आप ऐसे राउंड करके जाओगे या स्ट्रेट जाओगे, तो आपको ऊपर बताना पड़ेगा। निवृत्ति वॉन्ट्स टू से समथिंग, एंजॉइंग सो मच। अभी तो ये आदित्य है, ठंड काफ़ी है अंदर में। आप कभी प्लान करो स्नो वर्ल्ड आने का तो जरूर, मतलब हाफ पैंट पहन के तो आना मत, मैं तो कैप्री पहन के आ गया हूँ शॉर्ट्स पहन के, पर ठीक है मैं तो सह सकता हूँ, बट बच्चे को कभी भी शॉर्ट्स में मत लाना। निवृत्ति के लिए एडिशनल मुझे वो फॉर्म्स लेने पड़े हैं। तो ये अभी हम लोग ऊपर के जा रहे हैं, आदित्य को अभी राउंड कर, एक ये ऑलरेडी स्ट्रेट में जा चुका है तो इसको राउंड वाला चाहिए, तो राउंड वाले के लिए राइड देने के लिए अभी फिर से लेके आए इसको। तो ये देखिए ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे, तो दो तरीके की स्लाइड है यहाँ पे, एक आप स्ट्रेट जा सकते हो, एक राउंड करके जा सकते हो यहाँ पे। अभी ये स्ट्रेट जा रहे हैं, इसको राउंड वाला कर दो। ये राउंड वाला लेगा, आप देख लो राउंड वाले के लिए कैसे जाया जाता है। ये राउंड के आदि, ये ओ अभी जा रहे नीचे, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी, थैंक यू सो मच। यार अंदर में ठंड काफ़ी है, तो आदित्य आ गया, अभी इन लोगों को बोलता हूँ दूसरा चीज़ खेलने के लिए। पहले मैंने ना कैप नहीं लगाया था, बहुत ठंडी लगती थी आने के बाद, एक हाथ में दस्ताने नहीं लगाए हैं, ऐसा मैंने होल्ड किया कैमरे को, बट अंदर में काफ़ी ठंड है यार। तो अभी उसके बाद फिर मैंने ये कैप लगा लिया, तो उसके बाद काफ़ी आराम है, अभी अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। हालांकि मैंने शॉर्ट पहना हुआ है, तो शॉर्ट पहन के मत आना यहाँ पे, और फुल पैंट पहन के आना, जींस वगैरह पहन के आना। अभी थोड़ा सा ये सामने आइस स्केटिंग है मैंने पीछे, तो उसको ट्राई करने वाले हैं। बट ये वर्थ है, 700 रुपीज़ इसकी टिकट है, बट वर्थ है आना, खास करके बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हो। देन आई हाईली रिकमेंडेड, यू मस्ट चूज, यू मस्ट कम वंस इन स्नो वर्ल्ड। जस्ट अभी हम लोग शो खत्म कर चुके हैं, अंदर में काफ़ी ठंड थी, अमेजिंग एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, निवृत्ति पता नहीं क्या लेने का सोच रही है, तो वी आर गोइंग आउट नाउ, लेट्स गो। व्हाट डू यू वांट नाउ निभू? बी केयरफुल, केयरफुल, केयरफुल। तो गाइस इस समय मेरे साथ ये दो पलटन, और इन्हीं लोगों को घुमाने के लिए मैं इस समय इनको लेके आया हूँ स्नो वर्ल्ड में। ओके गाइस, सो टूर हो गई है हम लोगों की ख़त्म, और किड्स ने काफ़ी इन्जॉय किया। डिड यू इन्जॉय? तो काफ़ी मज़ा आया स्नो वर्ल्ड में, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो एक बार ज़रूर आइए पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, यहाँ स्नो वर्ल्ड में काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पे करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा लेना चाहूँगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर से कोई अच्छी सी जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।